हमारा जो चैप्टर है अगला वाला सेल द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ। किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब आप कंसिडर करते हैं तो आप बोलेंगे कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन बहुत ही छोटी सी यूनिट से मिलकर के हुआ है। वो छोटी सी यूनिट क्या कहलाती है? आप बोलेंगे सेल। आपको एक बहुत बड़ा इंडिविजुअल नजर तो आता है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ दिस इंडिविजुअल एक्चुअली अकर्स? कितने पार्ट्स इसके अंदर मौजूद है? जैसे कि आपने कहा सेल के बारे में, कोई एक ऑर्गेनिज्म है, हमने लिया वन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर के बना होता है? ऑर्गन सिस्टम। किससे मिलकर बना है? आपने कहा सर द ऑर्गेनिज्म इज मेड बाय ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम इज मेड बाय ऑर्गन सिस्टम इज मेड बाय ऑर्गन। ऑर्गन इज मेड बाय टिश्यूज। टिश्यूज आर मेड बाय सेल। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू, सेल इज मेड बाय सेल ऑर्गेनली। सेल ऑर्गेनली एंड सेल ऑर्गेनली आर फॉर्म्ड बाय आप लोग बोलोगे सर दे आर फॉर्म बाई मिनरल एंड रॉक्स। रॉक्स से मिलकर के बने होते हैं। एंड दे आर फॉर्म बाई, आप बोलेंगे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक ले लो और इनऑर्गेनिक मटेरियल ले लो। इन सब से मिलकर के क्या तैयार होगा? मिनरल्स एंड रॉक्स। और इनसे क्या बना? सेल ऑर्गेनली। सेल ऑर्गेनली से क्या बना? सेल, टिश्यूज, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड फाइनली यू विल गेट ऑर्गेनिज्म। इन ईजी वे आप लोग कह सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्ट से या इन कंपाउंड से हुआ है। अगर हम ये कहें कि मैं अपनी बात करूं, मेरा फॉर्मेशन किससे हुआ है, तो आप लोग बोले सर आपका फॉर्मेशन भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल से हुआ होगा। हमारी बॉडी के अंदर केमिकल्स हैं, हम कभी भी बीमार पड़ जाते हैं तो हमें क्या जरूरत पड़ती है? मेडिसिंस की। मेडिसिंस किससे मिलकर के बनी है? केमिकल्स से मिलकर के बनी। तो आप लोग ये कह सकते हैं कि मेडिसिंस आर मेड बाई केमिकल्स एंड दे एक्ट ऑन द ह्यूमन बॉडी टू करेक्ट दैम, उनको सही कर देती है किसी भी बीमारी से। ठीक है ना? अब ये हमारे पास में एक छोटा सा, आप इसे नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, जल्दी नोट करो स्पीड के साथ में, थोड़ा तेजी से नोट कीजिएगा बेटा क्योंकि आगे भी काम कराना है। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स आर present in the mineral and rocks. Mineral and rocks responsible to form the cell organelle. Many cell organelle are combined, they form cell. Cell, a group of cell is called tissue. Tissue always formed organs. Many organs are compound, they form organ system. And finally we will get organism. Clear to everyone? Okay, can we proceed in the forward direction again? ओके, कैन आई रब दिस वन? ओके, अब सेल बात आ गई हमारे जहन में। सेल आने के बाद में आपने कहा सर जी सेल इसका मतलब ये हुआ, कई तरह की हो सकती हैं। जब इस दुनिया के अंदर सारे ऑर्गेनिज्म आए थे तो उस दरमियान पर क्या हुआ था कि ऑर्गेनिज्म होते कितने टाइप के हैं, तो वहां पर एक डेफिनेशन दी गई, कहा गया कि इस दुनिया के अंदर दो तरह की सेल तैयार हुई, एक तो प्रोकैरियोटिक और दूसरे कौन से थे बेटा? यूकैरियोटिक। समझ में आ रही है बात? पहले प्रोकैरियोटिक एंड दूसरे यूकैरियोटिक। आप समझ रहे हैं प्रोकैरियोटिक कितनी चीजों से मिलकर के बना है? आप बोलेंगे सब प्रो प्लस कैरियोटिक। प्रो का मतलब होता है बेटा प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब पुराना, कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस, पुराने न्यूक्लियस से जो बना होता है वो क्या कहलाया? प्रोकैरियोट्स। यू का मतलब होता है बेटा वेल डिफाइंड। क्या मतलब हुआ बेटा इसका? वेल डिफाइंड किसे कहते हैं? जिसको हम अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकें, जिसकी डेफिनेशन हम अच्छे से दे सकें, उसको क्या बोलेंगे? वेल डिफाइंड। एंड यू वेल नोन अबाउट द कैरियोटिक, इट मींस न्यूक्लियस, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो वो यूकैरियोट है, जिसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ना हो या प्रिमिटिव हो तो हम इसको क्या कहते हैं? प्रिमिटिव का मतलब क्या हुआ? नॉट वेल डिफाइंड। दो बातें नजर आ गई हमारे सामने, नॉट वेल डिफाइंड। क्या बात समझ में आई? हमने कहा कि जो वेल डिफाइंड होंगे दे आर यूकैरियोटिक, जो वेल डिफाइंड नहीं होंगे वो प्रोकैरियोटिक, जो वेल डिफाइंड नहीं है वो एक्चुअल में क्या है? प्रिमिटिव का मतलब एंशियंट है, हम इसे क्या कह सकते हैं? और दूसरा नाम क्या इसका बेटा?
एंसियंट, एंसियंट का मतलब क्या होता है बेटा? पुराने, जो काफी पुराने। आपसे कोई पूछे कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म पुराने हैं या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म पुराने हैं, तो आप बोलो प्रोकैरियोटिक। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, जब मैं पढ़ाऊं तो कोई लिखेगा नहीं, कोई लिखेगा नहीं, सिर्फ समझेगा। और कोई भी चीज समझ में नहीं आए तो चुपचाप नहीं बैठना, ऐसे करके सर जी ये हमको नहीं आया बता दीजिए, क्योंकि आप सीखने आए हैं, ठीक है ना। सीख कर नहीं जाओगे सब बेकार है, ठीक। तो इसलिए आप पूछते रहिएगा। यहाँ पर यूकैरियोटिक का मतलब क्या हुआ बेटा? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, जिसके अंदर न्यूक्लियस कैसा है, वेल डिफाइंड है, उसको आपने कह दिया यूकैरियोट। हमारे पास में डिफरेंस क्लियर हुआ। अब हम यहां पर एक चीज और देखना चाहते हैं। प्रोकैरियोट के अंदर एक स्पेसिफिक टाइप के ऑर्गेनिज्म आए जिसको कहा गया कि दे आर यूनिसेल्युलर। यूनि का मतलब सिंगल, सेल्युलर का मतलब सेल। वो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल से मिलकर के बने हैं, यानी सिर्फ एक सेल उनके अंदर मौजूद है, दे आर कॉल्ड यूनिसेल्युलर। जबकि यूकैरियोट की बात की गई तो ये दो तरह के थे। कौन कौन से बेटा? एक तो यूनिसेल्युलर भी थे और मल्टी सेलुलर भी थे, ठीक है। अब सवाल यहां पर एक पैदा हुआ, अगर आपके कंपटीशन के अंदर सवाल आ गया यूनिसेलुलर और यूनिसेलुलर, तो आप कैसे पहचानोगे कि ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट का है और ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट का है? हाउ यू कैन फाइंड दैट? तो आप लोग क्या बोलोगे? वेल डिफाइंड, लेकिन ये बात भी मेंशन नहीं की हुई है, एग्जाम्पल दे रखा है। अब कोई भी एग्जाम्पल, जैसे मैंने कह दिया यहां पर एक एग्जाम्पल है, मैंने कहा बैक्टीरिया, ठीक है। मैंने एक और बोल दिया ब्लू ग्रीन अलगी, वेरी गुड। ब्लू ग्रीन अलगी का दूसरा नाम बेटा साइनो बैक्टीरिया। एक और एग्जांपल इसका हमने लिख लिया, आप लोगों को पता ही होगा, माइको प्लाज्मा। दीज आर द थ्री एग्जाम्पल्स विच एक्चुअली एग्जिस्ट इन यूनिसेलुलर ऑफ प्रोकैरियोट्स। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द यूनिसेलुलर ऑफ यूकैरियोट, के यूनिसेलुलर की बात करूंगा तब क्या होगा? तो आप लोग बोलोगे इसका एग्जांपल होता है हमारे पास में, हमने कह दिया अमीबा, अमीबा हो गया। इसके अलावा हमने कह दिया पैरामीशियम, पैरामीशियम के अलावा हमने क्या बोल दिया बेटा, बोलो क्लेमाइडोमोनास, कहना भी नहीं आ रहा आपको, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल हमने लिया ईस्ट, ईस्ट, ईस्ट के अलावा हाइड्रा मल्टीसेलर होता है, कई सारी सेल्स होती है। तो दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ द यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म व्हिच एक्चुअली एग्जिस्ट इन, जो किसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, यूकैरियोट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। तो आपने कहा यूकैरियोट के दो ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलर और एक मल्टीसेलर। अगर मैंने आपसे एक सवाल दे दिया, मैंने कहा यहां पर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू किसको बिलोंग कर रहा है, belongs to prokaryote, इसमें से कौन सा prokaryote को belong कर रहा है? ऑप्शन दे रखे थे, जानते हो क्या क्या ऑप्शन दे रखे थे? एंट अमीबा, एंट अमीबा, हिस्टोलिटिका। बी ऑप्शन दिया था बेटा पैरामीशियम। सी ऑप्शन दिया था बेटा, सी ऑप्शन था यहां पर युगलीना, और डी ऑप्शन था यहां पर साइनोबैक्टीरिया। अभी मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखा तो आप लोग इसका आंसर फौरन मुझे दे देंगे कि द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज साइनोबैक्टीरिया। ऑल आर यूकैरियो, ऑल आर यूनिसेलुलर, सब यूनिसेलुलर हैं, सारे के सारे कैसे हैं बेटा, ये यूनिसेलुलर हैं। लेकिन मैं इसको यहां लिखने के लिए यहां लिखता हूं, ऑल आर यूनिसेलुलर, लेकिन अकेला ये कैसा है, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर, और ये तीन कैसे हैं, यूकैरियोटिक। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के, अच्छे तरीके से क्लियर हो रही है? आप इसे जल्दी से नोट करो, जल्दी तेजी से। मैं मल्टीसेलर के कुछ एग्जांपल और लिख दूं पहले, बाद में नोट कीजिएगा। मल्टीसेलर के एग्जांपल होते हैं बेटा, हमने कह दिया मेंजिफेरा इंडिका, मेंजिफेरा इंडिका, ये होता है बेटा मैंगो। एक और लिख दिया मैंने पायरस मेलस, ये होता है बेटा एप्पल। एक और लिख दिया मैंने एज अ डायरेक्टा इंडिका, इसका एग्जांपल मैंने क्या लिख दिया बेटा, देखा है ये, देखा है कभी, क्या है ये, नीम, नीम का प्लांट, क्या है ये, नीम ट्री, नीम प्लांट, ये ऑल आर एग्जिस्टेड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। नाउ यू कैन चॉप डाउन इन योर कॉपी दीज ऑल थिंग्स।
योर वर्क शुड बी फास्ट. सफाई से लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप तेज़ी से लिखिएगा, ठीक है, लेकिन डू योर वर्क फास्ट. क्या आप थोड़ा सा और तेज़ करेंगे बच्चों? रब कर दें, बहुत स्लो लिखते हैं आप, तो तेज़ी से लिखिए आप. अगर स्लो लिख रहे हैं तो बेटा आप लोग दाल पीना स्टार्ट कीजिए, हाथ में प्रोटीन पहुंचेगी तो आपके हाथ में ताकत आएगा, तेज़ लिखेंगे आप. हटा दे बेटा इसको. यहां हमने यूनिसेलर और मल्टीसेलर के कुछ एग्जांपल्स दिए, अब हम यहां पर डिफरेंस देखेंगे. लेकिन डिफरेंस देखने से पहले मैं आपको सेल के बारे में थोड़ा सा और बतला दूं. सेल को जो पढ़ाते हैं हम बेटा, वो मैं इजी वे में इसको थोड़ा सा करके पढ़ाता हूं. मैंने कहा सेल को मैं डिवाइड करूंगा अलग अलग पार्ट्स के अंदर. सबसे पहले मैं बोलूंगा सेल दो तरह की होती हैं. पहली वाली जो सेल कहलाती है वो कहलाएगी बेटा प्लांट सेल, और दूसरी कौन सी होती है बेटा? एनिमल सेल. अब जो प्लांट सेल है, आपको पता होना चाहिए प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल पाई जाती है क्या? यस, ठीक है. और इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है. सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट देयर. सेल मेम्ब्रेन के अलावा आप बात करेंगे एनिमल के अंदर सेल वॉल पाई जाती है क्या? आप लोग बोलोगे सेल मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, ठीक है. और मैं बात करूंगा यहां पर सेल मेम्ब्रेन की, यहां क्या पाई जाएगी बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. क्या पाई जाएगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है ना, पाई जाएगी. यहां पर सेल मेम्ब्रेन पाई जाएगी, ठीक है ना, वहां पर सेल वॉल एब्सेंट रहेगी, राइट. अब मैं प्लांट सेल के बारे में बात करता हूं. क्या प्लांट सेल को, एनिमल सेल को हम बाद में बताएंगे, पहले प्लांट सेल को बताते हैं. प्लांट सेल को हमने डिवाइड किया अलग अलग पार्ट्स के अंदर. कौन कौन से पार्ट में बताएंगे आप? आप टिश्यूज बता रही हैं, टिश्यू की बात नहीं हो रही है बेटा, सेल को डिवाइड कर रहे हैं हम लोग. तो सेल को कितने पार्ट्स के अंदर हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, बोलो? साइटोप्लाज्म, ओके, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ठीक है ना. हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया. साइटोप्लाज्म को हम लोग दो पार्ट में फर्दर डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला वाला कहलाता है बेटा साइटोसोल और दूसरा कहलाता है सेल ऑर्गेनली, ठीक है.
सेल ऑर्गेनली, हमारे पास सेल ऑर्गेनली समझ में आ रहा है क्या होता है, पार्ट्स ऑफ द सेल। सेल ऑर्गेनली हमारे पास में दो तरह की होती हैं, एक कहलाती है बेटा मेम्ब्रेनस और एक कहलाती है नॉन मेम्ब्रेनस। जिसके अंदर मेम्ब्रेन पाई जाएगी वो कहलाएगा मेम्ब्रेनस और जिसमें नहीं पाई जाएगी नॉन मेम्ब्रेनस। अब जो मेम्ब्रेनस है वो भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, सिंगल मेम्ब्रेनस और डबल मेम्ब्रेनस। पहले सिंगल मेम्ब्रेन और उसके बाद में है बेटा डबल मेम्ब्रेनस, इट मींस व्हिच हैविंग द डबल मेम्ब्रेन एंड दिस वन हैज सिंगल मेम्ब्रेन, या सिंगल मेम्ब्रेन मौजूद रहेगी यहां पर डबल मेम्ब्रेन मौजूद रहेगी। अब जो डबल मेम्ब्रेन वाले हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहला आता है यहां पर बेटा, सबसे पहले क्या आएगा बेटा यहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया। वेरी गुड, वेरी नाइस, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद में अगला आता है बेटा प्लास्टिड के सारे पार्ट नहीं होते, उसके अंदर सिर्फ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट इज डबल मेम्ब्रेनस। ठीक है, ध्यान रहेगी ये बात। सिंगल मेम्ब्रेनस में आएगा बेटा आपका राइबोसोम्स, राइबोसोम्स के अलावा क्या आएगा बेटा, लाइसोसोम्स। आर यू श्योर? कैसे? दे हैव द मेम्ब्रेन आउटर पार्ट। राइबोसोम्स के बारे में अगर हमने बात किया, राइबोसोम्स का जो मेन फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस, मेन फंक्शन ऑफ द राइबोसोम इज प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स को हम डिवाइड करेंगे 70S और 80S में। बात आती है कि राइबोसोम मेम्ब्रेनस होता है या नहीं, तो हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। यहाँ पर स्ट्रक्चर हम देखा, रिंग लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट ऑफ राइबोसोम्स। इसके आउटर कोई मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इसकी होगी जो इसके इंटरनल मटेरियल को कवर किए हुए है, इंटरनल मटेरियल को कवर किए हुए है। अगर आउटर मेम्ब्रेन इसके ऊपर मौजूद नहीं होगी तो इसका जो इंटरनल मटेरियल है वो सब स्प्रेड कर जाएगा ना पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर, तो इसके ऊपर मेम्ब्रेन क्यों नहीं पाई जाएगी, मेम्ब्रेन इसके ऊपर मौजूद रहती है। ठीक है, मैंने कहा नॉन मेम्ब्रेनस और मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेनस के अंदर आपका राइबोसोम आएगा, जो नॉन मेम्ब्रेनस हैं वो साइटोसोल के अंदर यानी साइटोप्लाज्म के अंदर पूरे में मिक्सअप किए हुए रहते हैं। ठीक है, और जिसके ऊपर मेम्ब्रेन पाई जाएगी वो मिक्सअप किए हुए नहीं होंगे, वो स्पेसिफिक अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड होंगे। जैसे राइबोसोम है, लाइसोसोम है, एक और आता है पेरोक्सिसोम है, पेरोक्सिसोम्स है, पेरोक्सिसोम के अलावा ग्लाइऑक्सिसोम है, ग्लाइऑक्सिसोम्स, ग्लाइऑक्सिसोम के अलावा एक और आता है यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसके अलावा आता है बेटा एक और, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आप दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक तो बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ कौन सी होती है बेटा, जिनकी सरफेस पर राइबोसोम्स स्टिक किए हुए होते हैं। अब यहां पर एक बात क्लियर हो गई है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, स्मूथ एंड रफ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेनिंग स्पेसिफिक स्ट्रक्चर कॉल्ड राइबोसोम्स, दैट्स व्हाई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विल परफॉर्म प्रोटीन सिंथेसिस एज वेल एज फैट सिंथेसिस। ये फैट का भी सिंथेसिस करेगा और प्रोटीन का भी सिंथेसिस करेगा, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिर्फ फैट का सिंथेसिस करेगा। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है बेटा, दो हैं, प्रोटीन को भी सिंथेसिस कर रहा है और फैट को भी सिंथेसिस कर रहा है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस है और क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेनस है। इन दोनों की खासियत यह होती है, इन दोनों की खासियत ये होती है कि इन दोनों के अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, खुद का जेनेटिक मटेरियल पाया जाएगा, और यानी कि हम बोलेंगे सेल्फ जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट इन बोथ, दोनों के अंदर। सो दे आर आल्सो कॉल्ड सेमी ऑटो नॉमस सेल ऑर्गेनली। क्या मतलब हुआ बेटा, देखो सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनली का मतलब, सेमी मतलब हाफ, ऑटो का मतलब सेल्फ, नॉमस का मतलब कंडक्ट, जो अपने काम को आधे काम को खुद कंडक्ट कर सके उन्हें आप क्या बोलते हैं बेटा, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनली। सवाल आपको ये पूछा जा सकता है यहां पर, ध्यान रखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेमी ऑटो नॉमस सेल ऑर्गेनली। ए ऑप्शन दे रखा है आपका, ए ऑप्शन दे दिया आपका राइबोसोम,
Golgi apparatus, endoplasmic reticulum, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, क्या आंसर होगा बेटा? आपको अभी मैंने सामने लिख दिया, तो आप लोग इसका आंसर बोल सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द राइट आंसर। ये सवाल पूछा जा चुका है आपके एमयू एंट्रेंस के अंदर कई बार, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और एक और चीज, अगर आप किसी सेल के बारे में बात करेंगे जो हमारे पास में प्रोकैरियोट्स हों या यूकैरियोट्स हों, तो खास तौर से हम लोग यह किसके बारे में बात कर रहे हैं, यूकैरियोट्स के बारे में। किसके बारे में बात हो रही है बेटा? टोटल यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है बेटा? जेनेटिक मटेरियल इन यूकैरियोट्स इज लीनियर। कैसा रहेगा? लीनियर जेनेटिक मटेरियल पाया जाएगा। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट के अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल पाया जा रहा है, लेकिन इनका जेनेटिक मटेरियल कैसा होगा बेटा? ध्यान रखने वाली बात, ये भी सवाल आपके एंट्रेंस में पूछी जा चुकी है कि द जेनेटिक मटेरियल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट इज लीनियर और सर्कुलर? सर्कुलर रहेगा। ये सवाल पूछा जा चुका है आपका, ध्यान रखिएगा। ऐसे जल्दी से नोट कर लो क्योंकि जगह नहीं बची है मेरे पास में, मुझे आगे भी बात करनी है। यू हैव ओनली 2 मिनट्स, विद इन 2 मिनट्स यू हैव टू बी नोट डाउन कंप्लीट पोर्शन विच इज रिटन हियर। और नोट आपको तभी करना है जब समझ में आ गया है, अगर समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे फिर से बोलना, मैं फिर से इसको बता दूंगा। पहले नोट कर लो एक बार और बता दूंगा, ठीक है, जल्दी नोट करो। प्लाज्मोडेस्माटा, बीच में एक और पतली सी स्ट्रक्चर रहती है, यहां पर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है बेटा, जो इस सेल को स्ट्रांग बनाने का काम करती है। और ये एक ऐसी सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन होती है ताकि एक सेल से दूसरी सेल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन आसानी से हो सके। इसको आप बोलते हैं बेटा मिडिल लैमिला। क्या बोलते हैं इसको? मिडिल लैमिला। यहां पर मैंने एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनाई है, इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे बेटा लाइसोसोम्स। दूसरा नाम क्या है भाई साहब का? सुसाइडल बैग्स। क्यों कहते हैं सुसाइडल बैग्स? कौन से? हाइड्रोलेजेस। हमने कहा इनको हम सुसाइडल बैग इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके अंदर क्या पाए जाते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं, जो नेचर में कैसे हैं? हाइड्रोलाइटिक हैं। और हाइड्रोलाइटिक होने की वजह से वो एंजाइम के नेम क्या हैं? हाइड्रोलेजेस। कौन कौन से एंजाइम हैं? कार्बोहाइड्रेजेस, लाइपेजेस, प्रोटीएजेस और न्यूक्लियेजेस। दीज आर द एंजाइम्स विच आर प्रेजेंट इन द लाइसोसोम्स। लाइसोसोम के अंदर पाए जाने वाले सारे के सारे क्या हैं बेटा? ये एंजाइम है। आप देख रहे हैं जैसे रिंग पहनते हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट देयर एंड दिस रिंग लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड राइबोसोम्स। इसको मैंने बोला है बेटा प्लास्टिड्स। क्या बोला इसको? प्लास्टिड्स। ये आपको ऐसा लग रहा है जैसे प्लेट रखी हुई है, ये मैंने गैप इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा बनाया है, ये गैप कम रहेगा। और ठीक है, इनको हम क्या बोल रहे हैं बेटा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विदाउट राइबोसोम है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं बेटा? स्मूथ। इस राइबोसोम, इसके ऊपर राइबोसोम चिपके हुए ग्रीन वाले, ठीक है ना, बहुत छोटे छोटे से, तो इनको हम क्या बोल रहे हैं बेटा? रफ एंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम। ये मैंने बनाया है, इसको बोल रहे हैं बेटा गॉल्गी अपरेटस। बहुत खूबसूरत नहीं बनाया है मैंने इसको, मैंने ऐसे बना दिया है। दिस इज कॉल्ड गॉल्गी अपरेटस। और इसके अलावा एक और चीज़ है, यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर रहती है डार्क सी, जिसकी वजह से प्लांट की सेल स्ट्रांग बनती है बेटा, है ना, क्या कहलाती है ये?
क्या कहलाती है बेटा ये? सेल वॉल। क्या कहलाती है ये? सेल वॉल। इसके अंदर ही एक छोटी सी प्लाज्मा नहीं सेल मेम्ब्रेन, एक छोटी सी डॉट डॉट स्ट्रक्चर वाली होती है ये, एक और लेयर टाइप की बनी होती है डॉट डॉट स्ट्रक्चर की। बात समझ में आ रही है बेटा? डॉट डॉट स्ट्रक्चर वाली लेयर बनी होती है। ये लेयर किस चीज़ की बनी है बेटा? साइटोसोल की। ये एक लिक्विड है साइटोसोल की। जैसे किसी ग्लास के अंदर आप पानी भर लोगे तो पानी भरने के बाद में पानी की बिल्कुल लास्ट लेयर किसको चिपकी हुई रहती है बेटा? बॉटल्स है, चिपकी रहती है नहीं। अगर किसी बोतल के अंदर पानी भर के आप फ्रिज में रख दोगे, फ्रीजर में बाहर निकालोगे, बॉटल को काटोगे तो लेयर टाइप की बन जाएगी ना, तो वो अंदर वाली लेयर ही मैंने डॉट डॉट दिखाई है। क्या कहते हैं बेटा? ये कहलाई सेल वॉल। और ये क्या है बेटा? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? शिल्डन एंड श्वान। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, कॉन्सेप्ट गिवन बाई शिल्डन एंड श्वान। किसने दिया था बेटा ये कॉन्सेप्ट? शिल्डन एंड श्वान ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर एक और स्पेशल स्ट्रक्चर बनाई है जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया को सेकेंडली किस नाम से जानते हैं बेटा? वाई दे प्रोड्यूस व्हाट इज एटीपी? एडिनोसिन मींस, एडिनोसिन मींस, एडिनोसिन मींस एडिनिन प्लस, एडिनिन प्लस शुगर। एडिनिन क्या है? नाइट्रोजन बेस है जो नाइट्रोजन से मिलकर के बना है, प्लस शुगर। शुगर क्या होती है बेटा? ग्लूकोज। तो नाइट्रोजन बेस और शुगर दोनों को मिला दो एडिनोसिन। आगे है ट्राईफॉस्फेट, यानी तीन फॉस्फेट। कितने फॉस्फेट? तीन फॉस्फेट। समझ में आ रही है बात? तो ध्यान रखना, अगर मैं कहीं पर ये लिख रहा हूँ बेटा एटीपी, कहीं से एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट खर्च हो गया, कितना बचेगा? फुल फॉर्म इसका, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट खर्च हो गया, कितना बचा? चलिए मेरे पास में दे रखा है एएमपी, इसमें दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जोड़ दिए, क्या बना? मेरे पास में एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ गए तो दो और एक तीन, ट्राईफॉस्फेट। हमने बोल दिया एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। जब हमारे पास में दे रखा है कि एक एटीपी से एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल गया तो क्या रह गया? एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। अगर यहाँ से दो निकलती है तो क्या रह जाता है? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। जैसे मैंने कहा ए डी पी से एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल गया, क्या बनेगा? ए एम पी। फुल फॉर्म सभी को बताएं इसकी, सभी को बताएं, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। सभी को बात याद रहेगी। चलिए तो इसी खुशी में हम यहाँ पर बारिश कर देते हैं। ठीक है बच्चों, यह हमने बारिश कर दी, और ये बारिश हमने किसकी की है बेटा? ये हमने साइटोप्लाज्म की बारिश कर दी। एक्चुअल में हम इसको साइटोप्लाज्म बोल रहे हैं, लेकिन ये अकेला जिसकी मैं बारिश कर रहा हूँ ये साइटोप्लाज्म नहीं है, ये साइटोसोल है। क्या है ये? साइटोसोल। साइटोप्लाज्म कब होगा? जब ये सब मिक्सअप हो जाएगा तो ये साइटोप्लाज्म कहलाएगा। अकेला ये क्या कहला रहा है बेटा? साइटोसोल। ध्यान रखिएगा, आपको आपके क्लास टीचर में पढ़ाया होगा ऐसे साइटोप्लाज्म बताया होगा, लेकिन ये साइटोप्लाज्म नहीं है, एक्चुअल में क्या है ये? साइटोसोल है। साइटोप्लाज्म कब होता है बेटा? जब इन सब का मिक्सअप हो जाता है, सेल ऑर्गेनेल का और इन सारी चीज़ों का। यहीं पर छोटी सी स्ट्रक्चर होती है जिसको हमने क्या बोल दिया बेटा? पेरोक्सिसोम्स। पेरोक्सिसोम्स का काम होता है बेटा फोटो रेस्पिरेशन, और ये किसके अंदर पाई जाती है बेटा? प्लांट्स में। किसमें पाई जाती है ये? प्लांट्स में पाई जाती हैं। और यहाँ पर मैंने कुछ और स्ट्रक्चर बनाई हैं, आप देख रहे हैं ये क्या है? आप बोल रहे हैं सर जी ये होल है। किसका होल है? न्यूक्लियस का। तो न्यूक्लियस के होल को हम क्या बोलेंगे? पोर। न्यूक्लियस का इसलिए न्यूक्लियर पोर। क्या हो गया ये? न्यूक्लियर पोर। अब देखिए ये मेम्ब्रेन चढ़ी हुई है, ये कहलाती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये जो मैंने धागा सा बनाया है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं बच्चों? क्रोमैटिन फाइबर।
ये जो मैंने ग्रीन वाली बारिश की थी अंदर, ये ग्रीन वाली बारिश क्या कहलाई है? न्यूक्लियस सेल के अंदर होता है साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस में है न्यूक्लियोप्लाज्म, क्या होगा बेटा ये न्यूक्लियोप्लाज्म। और मिडिल लैमेला को अगर मैं यहाँ पर ना बना करके इस मिडिल लैमेला को मैं कहीं और पहुँचा दूँ, मैं यहाँ पहुँचा दूँ मिडिल लैमेला को, मिडिल लैमेला मैं यहाँ पहुँचा दूँ, और न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म और इसके अलावा क्रोमेटिन फाइबर्स, यानी कि ये चीज़ न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर एनवलप और न्यूक्लियोप्लाज्म, ये चारों मिला के क्या कहला रहे हैं बेटा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को डिस्कवर किस भाई साहब ने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। सेल को डिस्कवर किसने किया था? अरे यार ये बच्चे तो बहुत होशियार है, क्या बात है, इन्हें तो पढ़ाने का मजा आएगा, ठीक है भाई। जो बच्चे पढ़ने में थोड़ा सा दिखाते हैं तो उन्हें पढ़ाने का मजा लगाता है। हमने कहा कि सेल की बात कर लेते हैं यहाँ पर साइड पे, सेल को डिस्कवर किसने किया बेटा? सेल को, हाँ दो बात आ गई, एक सेल हो गई हमारे पास में डेड सेल और एक हो गई। सर आप कौन सी वाली पूछ रहे हैं ये बताइए हमें, सेल डिस्कवर की है सर कौन सी सेल, डेड या लिविंग? चलिए डेड बता दिए, किसने डिस्कवर किया? तो आपने कहा सर जी ये रॉबर्ट हुक ने किया था, अरे वेरी गुड, 1665 में उन्होंने डिस्कवर किया था। और लिविंग को? एंटोनी वॉन, पूरा नाम इज्जत से लो, इज्जत से पूरा नाम लो, क्या नाम है? अमिताभ बच्चन को क्या बोलते हो? बच्चन, पूरा नाम। शाहरुख खान को क्या बोलते हो? शाह, नहीं शाहरुख खान, ऐसी एंटोनी वॉन लीवेनहॉक का पूरा नाम बोलिए, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, ठीक है। क्या कर रहे थे, कहाँ से निकाला था ये? रॉबर्ट हुक ने बेटा ये किसमें देखा था? कॉर्क में, कॉर्क किसके अंदर से निकाली थी बेटा? बार्क ऑफ ट्री, और बार्क ऑफ ट्री जो सेल्स होती है कैसी होती हैं? डेड। इसीलिए जो सबसे पहली सेल डिस्कवर की गई थी डेड सेल डिस्कवर की गई थी। लेकिन इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपने हाथ से माइक्रोस्कोप बनाई थी, और माइक्रोस्कोप बनाने के बाद इन्होंने कहा क्या करूँ क्या करूँ, क्योंकि साइंटिस्ट पागल तो होते ही, आपको पता ही है, हमेशा बैठ के कुछ ना कुछ खुराफातें सोचते रहते हैं। बैठे थे, अचानक से बोले क्या करूं क्या करूं, बोले आज मैंने सुबह दांत नहीं मांजे हैं, आज दांत नहीं साफ़ किए मैंने। जब हम रात को खाना खाते हैं तो खाना खाने के दरमियान पर दांत सुबह में साफ़ नहीं किए, दांतों के ऊपर खाने की एक लेयर चढ़ जाती है, हमने रोटी करने वाला दांतों में आया और उसको हमने चबाया, चबाने के बाद में वो दांतों के साइड में जम जाता है। हमने सुबह में ब्रश कर लिया, साफ़ हो गई, ब्रश नहीं करेंगे तो लेयर चढ़ गई ना, तो उन्होंने क्या किया, क्या दांत साफ़ नहीं किए, दांतों के ऊपर ये लेयर क्यों चढ़ जाती है, ओ ऐसी कुछ ना कुछ होगा। उन्होंने अपने दांतों का जो मैल था उसे खुरचा, और खुरचने के बाद में एक स्लाइड ली और स्लाइड के ऊपर रख दिया और उसको स्टेन किया, बोला देखता हूँ इसमें क्या है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने दांतों का मैल, मैं थोड़ा सा हिंदी में बता रहा हूँ, इसके इंग्लिश में क्या, पील ऑफ टीथ, इसे क्या बोलते हैं, दांतों का मैल, पील ऑफ टीथ लिया उन्होंने और स्लाइड के ऊपर रख दिया, गंदा सा बदबूदार, जिसकी वजह से इंसान के मुंह में बदबू आती है, रख दिया। फिर इसको क्या किया बेटा, स्ट्रेन किया, स्ट्रेन करने के बाद में उन्होंने माइक्रोस्कोप जो उन्होंने खुद बनाई थी, मैं लिखता हूँ सेल्फ मेड, जो खुद माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप बनाई थी उसमें उन्होंने देखा तो कुछ चलती हुई स्ट्रक्चर नज़र आई। उन्होंने कहा अरे ये क्या है, ये क्या नई वाला आई निकल कर, दांतों के अंदर कुछ चीज़ चल रही है। उन्होंने कह दिया ओके, जब कोई चीज़ मूव कर रही है ऐसा लग रहा है जैसे कोई एनिमल हो, ऐसा लग रहा है जैसे कोई एनिमल हो, इसीलिए इन्होंने उसको क्या नाम दे दिया, एनिमलक्यूल, क्या दे दिया उसको नाम, और इस एनिमलक्यूल को कह दिया गया फर्स्ट लिविंग सेल, क्या कहा गया, फर्स्ट लिविंग सेल। ये जो फर्स्ट लिविंग सेल थी आगे चल के क्या बन गए थे, ये बैक्टीरिया, दैट्स व्हाई द फर्स्ट लिविंग सेल वाज बैक्टीरिया, और इनिशियली उसको क्या बोलते थे, स्ट्रेन कहाँ से किया गया था, किसने, कैसी सेल थी, दैट्स ऑल, छाप लीजिए बाप, समझ में आई बात। देखो बच्चों,
यहाँ पर मैंने एक टिपिकल प्लांट सेल का स्ट्रक्चर बनाया है, और इस टिपिकल प्लांट स्ट्रक्चर के अंदर मैंने सेंट्रल रीजन में क्या लिया है बेटा, सेंट्रल रीजन में एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है जिसको मैंने क्या बोला है, ओवरऑल न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के कई सारे पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स को मैंने यहाँ पर नॉमनक्लेट किया हुआ है, क्रोमेटिन फाइबर्स, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोप्लास्ट, दे ऑल कंबाइन टू ईच अदर एंड फॉर्म न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द मेजर पार्ट। क्रोमेटिन फाइबर्स जो होते हैं बेटा वो क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करते हैं, और जितनी भी जेनेटिकल इन्फॉर्मेशंस हैं सारी जेनेटिकल इन्फॉर्मेशंस किसके अंदर मौजूद रहती हैं, क्रोमोसोम या क्रोमेटिन फाइबर्स, जिसको हमने बोला है, क्या बोला है हमने इसको, क्रोमेटिन फाइबर्स बोला है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं बेटा, क्रोमोसोम्स भी बोल सकते हैं, क्लियर। यहाँ पर एक आउटर स्ट्रक्चर सी नज़र आ रही है, जैसे कुछ मुँह खुला हुआ है, प्लाज्मोडेस्माटा। बहुत सारी सेल्स होती हैं प्लांट के अंदर, एनिमल के अंदर, किसी के अंदर भी, एक सेल दूसरी सेल के साथ में जुड़ेगी तो वो किसके जरिए जुड़ती है, प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए। किसके जरिए, प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए वो जुड़ती है, और इसके कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम कौन करता है बेटा, बीच में ग्रीन लाइन बनाई है मैंने, जिसको क्या बोला था, मिडिल लेवल, सही है। इसके अंदर मैंने एक और स्ट्रक्चर डार्क ग्रीन बनाई है, जिसको मैंने क्या कहा है, सेल वॉल। जो प्लांट की होती है वो किसकी बनी होती है बेटा, सभी को पता है ये सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होगी, इसीलिए हमने इसको क्या कह दिया, सेलुलोज, और ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है। इसके अंदर मैंने डॉट डॉट स्ट्रक्चर बनाई है, दिस इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। वैक्यूल बनाई है बेटा मैंने एक, जो कि 90% पार्ट को ऑक्युपाई करती है, और वैक्यूल की जो आउटर कवरिंग होती है वो क्या कहलाती है, टोनोप्लास्ट, ठीक है। साइड में मैंने कुछ स्ट्रक्चर बनाई है, इसको मैंने क्या बोला है बेटा, प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स के आपको ध्यान रखने कितने पार्ट्स होते हैं, मैं इन पार्ट्स को आगे बना देता हूँ, ए लाइन यहाँ खींच के बेटा प्लास्टिड को यहाँ बना देता हूँ। कितने पार्ट हैं प्लास्टिड के, तीन पार्ट, कौन कौन से बेटा, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, क्लियर है, क्लोरोप्लास्ट। दीज आर द थ्री पार्ट्स ऑफ द प्लास्टिड्स, एंड यू वेल नोन अबाउट द क्लोरोप्लास्ट इज द सेल ऑर्गेनली विच कंटेनिंग इट्स ओन डीएनए, दैट्स व्हाई द क्लोरोप्लास्ट इज आल्सो कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनली, बिकॉज ऑफ इट कैन कंडक्ट हाफ ऑफ वर्क बाय इट्स ओन सेल्फ, ठीक है। न्यूक्लियस के ऊपर और नीचे ऐसे लग रहा है जैसे प्लेट को झुका के रख दिया हो, प्लेट ऐसी होती है सीधी, उसे थोड़ा झुका के कर्व करके रख दिया हो उसको, ऐसा लग रहा है ना। तो कर्व और प्लेट लाइक स्ट्रक्चर विच आर प्रेजेंट और विच सराउंड द न्यूक्लियस आर कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड दे आर ऑफ टू टाइप्स, ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स, इफ प्रेजेंट देन कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इफ नॉट प्रेजेंट देन आर कॉल्ड, क्लियर, अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड राइबोसोम्स। You should remember ribosomes are of two types. पहले होते हैं बेटा 70S and second one is called 80S. 70S types of the ribosomes are present in, 70S types of the ribosomes are present in, किसके अंदर मौजूद है बेटा? They are present in prokaryotes. Prokaryotes, while they are present in eukaryotes. Okay? Prokaryotes and eukaryotes. This one is called peroxisomes. The main function of the peroxisome is photorespiration. Golgi apparatus. Main function of the Golgi apparatus for packaging of food material. Packaging of food material. Jitna bhi khana ribosomes ke zariye tayyar, sorry, mitochondria ke zariye tayyar hua, wo sare khane ki packaging kaun karega? Golgi apparatus karega, right? So that Golgi apparatus is always used for the packaging of food material. Finger-like projections are occurring in this structure. This is called the mitochondria, and the finger-like structures are called crystri. They are called crystri. Mitochondria, another name is powerhouse of the cell. They produce energy in the form of ATP, adenosine triphosphate. If one inorganic phosphate is utilized from the ATP, then we will get full form of ATP. If AMP containing or AMP contain two inorganic phosphate, then we will get adenosine triphosphate. And ADP reduce the one inorganic phosphate, then we will get adenosine monophosphate. One important thing,
Peroxisomes. Peroxisomes are present in the plant cell only, and the main function of plant peroxisome is photorespiration. ये सेल ऑर्गेनली ऐसी सेल ऑर्गेनली है जो लाइट की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करती है. क्या करती है? लाइट की प्रेजेंस में, यानी जब सूरज की रोशनी होगी तभी ये अपने काम को शो करेगी. अदरवाइज जैसा रात का वक्त है और रोशनी नहीं है तो ये कोई काम नहीं करेगी. तो क्या काम हुआ इसका? फोटो रेस्पिरेशन. सवाल पूछा जा सकता है कि फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस अकर्स बाई विच वन ऑफ द सेल ऑर्गेनली. कौन सी सेल ऑर्गेनली है? पेरोक्सीसोम्स. ध्यान रखिएगा, ये जो जो सवाल बोलता जा रहा हूँ नीचे आइएगा. लाइसोसोम्स, अनदर नेम ऑफ लाइसोसोम इज बिकॉज ऑफ दे हैव डाइजेस्टिव एंजाइम मींस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मींस हाइड्रोलाइसिस एंजाइम. कौन कौन से? न्यूक्लियेजेस, कार्बोहाइड्रेजेस, लाइपेजेस, प्रोटीएजेस, न्यूक्लियेजेस. कम टू द पॉइंट ऑन दैट पार्ट. सेल हमने कहा कितने सेल को डिस्कवर किसने किया? पता नहीं कौन सी सेल पूछ रहे हैं आप. सेल को डिस्कवर किसने किया सर? डेड सेल या लिविंग सेल? चलिए पहले डेड सेल बताइए. डेड सेल को डिस्कवर किसने किया? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने भी किया है, लेकिन उन्होंने कौन सी सेल डिस्कवर किया है? डेड सेल को किसने डिस्कवर किया 1665 में? किसमें देखा था? ये कोर कहाँ मौजूद रहती है? बार्क ऑफ ट्री. और आप जानते हैं बार्क ऑफ ट्री कैसा होता है नेचर में? जब ये डेड है इसीलिए वो सेल कैसी कहलाई? तो डेड सेल को डिस्कवर किसने किया? लिविंग सेल पे आइएगा. एंटोनी वॉन लीवेनहॉक के बारे में बताया था, साइंटिस्ट हैं, पागलों वाली हरकतें. क्या किया उन्होंने? बैठे थे, दांत मांझ कर नहीं आए थे रात को. जब दांत मांझ कर नहीं आए तो उन्होंने क्या किया? देखते हैं दांतों पर क्या मौजूद है. तो उन्होंने पील ऑफ टीथ निकाली, दांतों की गंदगी निकाली अपनी, और उसको स्लाइड पर रखा, स्ट्रेन किया. स्ट्रेन करने के बाद में माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया. ऑब्जर्व करने के बाद में उन्होंने देखा कि कुछ स्ट्रक्चर्स मूव करती हुई नजर आई. किसके ऊपर? स्लाइड के ऊपर. स्लाइड देखिए ना, ऐसी होती है कांच की, इससे थोड़ी छोटी, ठीक है. इसके ऊपर क्या रखा उन्होंने? दांतों का मैल. और रखने के बाद में उसको स्टेन किया और माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्होंने देखा कि इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर मूव कर रही थी. और वो मूव करने वाली स्ट्रक्चर को उन्होंने क्या कह दिया? उन्होंने इसको एनिमल क्यूल क्यों कहा? क्योंकि ये एनिमल की तरह रेंग रही थी. ये इनको प्लांट क्यूल भी कह सकते थे. प्लांट क्यूल नहीं कहा, क्या कहा? एनिमल क्यूल, क्योंकि एनिमल ही लोकोमोशन करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, प्लांट मूव नहीं करते. तो इसको एनिमल क्यूल कहा और आगे चल के वो क्या कहलाया? तो आप कह सकते हैं कि बैक्टीरिया की डिस्कवरी किसने की है? और बैक्टीरिया ही सबसे पहली लिविंग सेल है. तो लिविंग सेल को डिस्कवर किसने किया है और डेड सेल को डिस्कवर किसने किया है? याद रहेगी बात, ठीक है. अब आपको ध्यान रखना है सेल मेम्ब्रेन का कॉन्सेप्ट किसने दिया. कॉम्पिटिशन में कई बार ये सवाल आपका आ सकता है कि सेल मेम्ब्रेन का कॉन्सेप्ट किसने दिया बेटा? शील्डन एंड श्वान ने. साइंटिस्ट का नेम याद रखिएगा, ठीक है. और 90% पार्ट ऑफ द सेल इज ऑक्यूपाइड बाई वैक्यूल. मैंने यह वैक्यूल छोटी बनाई है. बड़ी वैक्यूल क्यों नहीं बनाई है? क्योंकि अगर वैक्यूल बड़ी बनाता मैं तो बाकी सेल ऑर्गेनली को यहाँ पर दिखा नहीं पाता, ठीक है. बात समझ में आ गई? कोई भी ऐसा पॉइंट जो आपकी समझ में यहाँ लिखा हुआ है नहीं आया हो आप मुझसे पूछिए. कोई भी बात आपकी समझ में नहीं आई है आप मुझसे पूछिए कि सर ये चीज़ समझ नहीं आई है.